अगर मैं क्लिक करूंगा मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। फ्रेंड्स वेलकम टू बिंग यूनिक टीवी यूट्यूब चैनल, मेरा नाम अनवेश कुमार। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो के थंबनेल देखकर आप लोग तो समझ चुके होंगे इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप आपके मोबाइल में काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ करके दोस्तों डायरेक्टली वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है कैमरा के लिए। आप काइन मास्टर एप्लीकेशन में दोस्तों डायरेक्टली कैमरा ऑन करके आपके वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे और दोस्तों रिकॉर्ड होने के बाद आप डायरेक्टली एडिट भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि दोस्तों डिफॉल्ट कैमरा में आप एडिट किए उसके बाद काइन मास्टर एप्लीकेशन में इंपोर्ट किए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में कैमरा ऑन करके दोस्तों आप फोटो भी ले सकते हैं या वीडियो में भी दोस्तों आपके फेस कैम का कैमरा ऑन करके दोस्तों डायरेक्टली काइन मास्टर एप्लीकेशन में आप डायरेक्टली कैमरा ऑन करके काइन मास्टर एप्लीकेशन में ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड डायरेक्टली वहीं पे एडिट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ, डिटेल्स में दिखाता हूँ। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। पहले ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ दोस्तों आपको एक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, आपके हिसाब से कर लेना। मैं एक रेशियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा इंटरफेस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, बीच में दोस्तों आपको एक अपर्चर का बटन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं मिडिल पे। आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कैमरा एंड कैम कॉर्डर। यहाँ पे दोस्तों आपको अगर फोटो लेना है आप कैमरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सेस पूछा जाएगा, आप एक्सेस दे देना, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे अभी एक्सेस नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे अगर आप कैम कॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा कैमरा ऑन हो चुका है एंड आप इस तरह से एडिट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं मैं अभी इस तरह से डायरेक्टली ये जो रेड कलर का रिकॉर्डिंग का बटन मिल रहा है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। रिकॉर्ड एक बार होने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से इसे फिर से सेव करना होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों आपको इस तरह से डायरेक्टली काइन मास्टर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। आप देख लीजिए वीडियो प्ले करके, डायरेक्टली यहाँ पे प्ले करके आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे आप डायरेक्टली रीटेक का बटन मिल जाएगा, रीटेक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली फिर से रीटेक ले सकते हैं। या दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डायरेक्टली यूज़ पर क्लिक करके ये वीडियो को एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यूज़ पर क्लिक करते ही ये मेरा ऐड हो चुका है और दोस्तों ये हाई रिजोल्यूशन में ऐड हुआ है। आप दोस्तों अगर डायरेक्टली आपके कैमरा पे कुछ भी डिफॉल्ट कैमरा पे यूज़ करेंगे दोस्तों हो सकता है ये कन्वर्ट हो जाए। अगर दोस्तों आप काइन मास्टर में डायरेक्टली इस तरह से कैमरा यूज़ करेंगे आपको कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को डायरेक्टली यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे एडिट कर पाएंगे, आपके हिसाब से टेक्स्ट वगैरह ऐड कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको और ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए कि काइन मास्टर कैसे यूज़ करें, क्या है दोस्तों, कैसे म्यूज़िक हटाए, कैसे दोस्तों ऑडियो को रिमूव करें, सारे दोस्तों कैसे नॉइज रिमूव करें, सारे मैं एक ही इसी चैनल में बना चुका हूँ वीडियो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बोलिए आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों कुछ भी परेशानी फेस कर रहे हैं तो भी मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए। चलिए फिलहाल मैं आने से रहता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक नए वीडियो लेकर। आप देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल बींग यूनिक टीवी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।